सवालों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है लुनेटिक एप्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका फोन पानी में गिर जाता है या किसी लिक्विड में गिर जाता है तो उसको खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, या फिर अगर आपका फोन पानी में गिरने के बाद फंक्शन करना बंद कर देता है या उल्टे सीधे फंक्शन करने लगता है, टच काम सही से नहीं करता है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उसमें मैं 100% आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपका फोन ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि फोन जब पानी में गिर जाता है तो उसके बाद कंपनी वाले भी गारंटी नहीं देते, तो मैं कैसे गारंटी दे सकता हूं। लेकिन मैं जो प्रोसेस आपको बता रहा हूं उससे 99% तक आपका फोन ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है। मेरा पिछले महीने फोन पानी में चला गया था और मैंने कुछ इसी तरह से ठीक किया अपने फोन को। और अभी जब मैं बिहार में था तो 3-4 दिन पहले मेरी सिस्टर का फोन दूध में चला गया था और वो फंक्शन करना बंद कर दिया था, उसका टच जो है काम करना सही से बंद कर दिया था, तो उसको भी मैंने कुछ इसी टाइप से ठीक किया है। तो अगर आप ये सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका फोन ठीक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का निशान आएगा उस पर भी दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और लुनेटिक्स ऐप फैमिली के मेंबर बन जाओ, और अगर तुम्हें मुझसे हो ज्यादा प्यार तो करो एक बार घंटे पे वार ताकि तुम्हें मिलता रहे मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपका फोन पानी में गिर जाता है या किसी और लिक्विड में गिर जाता है जैसे दूध वगैरह या कुछ और, तो उसमें से सबसे पहले आपको करना है कि आपको फोन वहां से निकालना है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। वहां से निकालने के बाद आपको कपड़ा से साफ करना है, सॉफ्ट कपड़ा, सूती कपड़ा हो उससे आप जो है फोन को चारों तरफ से साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने फोन को ऑफ करना है, क्योंकि फोन एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में अगर पानी चला जाता है तो वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है और आपका फोन को जितना नुकसान अभी हुआ है अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तो उससे ज्यादा नुकसान होने का चांस होगा, क्योंकि वहां पे शॉर्ट सर्किट होता रहता है। तो सबसे पहले आपको दोबारा से बता देता हूँ, आपको फोन को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आपको फोन का जो बैक कवर है उसको खोलना है और उस जहां पे भी वाटर ड्रॉपलेट आपको नजर आ रहा है उसको साफ करना है कपड़े से। अगर आपका बैक कवर नहीं खुल पा रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जो है फोन नॉन रिमूवेबल वाले बैटरी के साथ है तो आपका बैक कवर नहीं खुलेगा, तो मैं आपको बता दूं कोई भी फोन हो उसका बैक कवर नॉर्मली खुल जाता है अगर आप शार्प नेल का यूज करें या फिर आप किसी चाकू वगैरह का हेल्प लें तो आपका बैक कवर खुल जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए बैक कवर खोल के वहां पे जो भी पानी का ड्रॉपलेट्स आपको नजर आए उसको साफ कर लीजिए कपड़े से। अगर नहीं खुलता है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। इतना करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, इस टाइप का हेयर ड्रायर आपके घर में होगा, आपके घर में अगर लेडीज है तो जरूर होगा, वैसे तो आजकल लड़के भी इसको यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर में जरूर होगा। तो इस टाइप के हेयर ड्रायर को आपको यूज करके आपके फोन के अंदर जो भी पानी गया है उसको भाप बनाना है, उसको वेपर में कन्वर्ट करना है, और वेपर बन करके जब वो उड़ जाएगा तो आपका फोन जरूर ठीक हो जाएगा। तो इस टाइप का प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं अपने फोन के अंदर जो भी पानी है उसको सुखाने के लिए, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये अगर हो तो बेटर है, अगर ये नहीं भी हो तो आप अपने घर में रूम हीटर यूज करते होंगे सर्दियों में, अगर वो रूम हीटर है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं अपने फोन के अंदर का जो पानी गया हुआ है उसमें उसको सुखाने के लिए। तो अगर आपके घर में रूम हीटर है जिसमें कि फैन लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसके सामने आप फोन रख सकते हैं और उसके अंदर का पानी जो भी है उसको वेपर बना सकते हैं। या अगर आपके घर में नॉर्मल रूम हीटर फैन वाला ना हो तो नॉर्मल जो रूम हीटर होता है जिसमें रॉड्स लगे होते हैं वो भी हो तो उसके सामने भी आप रख सकते हैं 1-2 घंटे फोन को। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपका फोन इतना भी गर्म ना हो जाए कि आपका फोन का बैटरी फट जाए, तो इतना ध्यान रखना है। बाकी आपको 1-1.5 घंटे फोन को रखना है ताकि उसके अंदर जो भी पानी जहां भी गया हो वो वेपर बन के उड़ जाए। अगर आपके पास ये सारा कुछ नहीं है तो आप नॉर्मल सनलाइट में, अगर तेज धूप है तो वहां पे आप अपने फोन को रख सकते हैं,
एक डेढ़ घंटा, जिससे कि आपके फोन के अंदर का जो भी पानी हो वो सूख जाएगा। और उसके बाद 2-3 घंटे बाद अगर आप अपना फोन ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका फोन जरूर ठीक हो जाएगा। मैंने 2-3 बार ऐसे करके अपना फोन ठीक किया। फोन एबनॉर्मल कंडीशन में, मतलब टच सही से काम नहीं करता है, उल्टा सीधा मतलब फंक्शन करने लगता है, ऐसा मेरा फोन का कंडीशन हो गया था, और मैंने 2-3 बार ऐसे करके ठीक किया है। तो अगर आप भी ऐसे ट्राई करते हैं तो आपका फोन जरूर ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।